नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की अदालत में तिस्ता सेटल वार्ड के मामले में उन्हें बेल मंजूर कर दी। ये मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जस्टिस खानविलकर ने एक फैसला दिया था। उस फैसले में उन्होंने कहा था कि 16 साल तक पॉट बॉईल करके रखा गया, यानी कि मुद्दे को गर्म करके रखा गया, उसको उबाला गया और उसमें गुजरात सरकार के अधिकारियों को बदनाम किया गया और नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी इसमें अटका के रखा गया। और इसलिए जो जिन्होंने ये केस यहाँ पर लाया है उन पर कार्रवाई हो, जिन इसलिए इस जो लोगों ने ये मुद्दा अभी तक गर्म करके रखा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके तुरंत बाद दूसरे दिन तिस्ता सेटल वार्ड को गिरफ्तार किया गया। तो ये जाकिया जाफरी थी जिनके जिनके पति की हत्या कर दी गई थी, और वो हत्या के मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन की थी, हाई कोर्ट में भी पिटीशन की थी और उसके बाद एसआईटी बनी थी, और एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जो फाइल की थी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, और उन्होंने उस रिपोर्ट में ये कहा था एसआईटी ने कि इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी नहीं है जिसमें नरेंद्र मोदी और दूसरे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है, और यही बात हाई कोर्ट ने की और उसको चैलेंज करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका रिजेक्ट करते हुए ये सब कहा कि ये जानबूझकर इस केस को खींचा जा रहा है, जानबूझकर ये मुद्दे को गर्म रखा जा रहा है और जानबूझकर ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये मुद्दे को गर्म रखा जा रहा है, तो इसलिए जिन्होंने ये किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये मुद्दा जाकिया जाफरी लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, ये मुद्दा तीस्ता सेटल वार्ड भी उनके पास थी, लेकिन कोर्ट ने तीस्ता सेटल वार्ड की एप्लीकेशन इंटरटेन करने से मना कर दिया था और उनकी बात सुनने से मना कर दिया था। इसलिए जो भी ऑर्डर पास हुआ था वो सिर्फ जाकिया जाफरी के केस में ऑर्डर पास हुआ था, और तीस्ता सेटल वार्ड को चूंकि पिटिशनर करके मंजूरी नहीं दी गई थी इसलिए उनकी बात भी नहीं सुनी गई, और बगैर उनकी बात सुने हुए जब कोर्ट ने उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया तब उनके खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करना, और उसके बाद दूसरे ही दिन गुजरात सरकार ने तिस्ता सेटल वार्ड को अरेस्ट किया और उनको कस्टडी में ले लिया। तो उस कस्टडी के खिलाफ जब वो सेशन कोर्ट गई तो सेशन कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की, तो फिर वो हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में ने उनको जल्दी तारीख देने की बजाय बहुत लंबी तारीख दे दी, तो उन्होंने इंटरिम बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सितंबर में 2022 में उनका इंटरिम एप्लीकेशन मंजूर कर लिया था, और उसके बाद चार्जशीट फाइल हुई, और चार्जशीट फाइल होने के बाद जब उनका इंटरिम एप्लीकेशन मंजूर कर लिया था लेकिन बेल एप्लीकेशन में हाई कोर्ट में जो पेंडिंग था उसमें हाई कोर्ट ने इसी महीने में उनका बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दिया उसके खिलाफ, और उनको ऑर्डर दिया कि आज का आज तुरंत वो सरेंडर करें। तो तिस्ता सेटल वार्ड ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटरिम बेल दिया है, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका दीजिए और तब तक के लिए 30 दिन तक के लिए ये जो ऑर्डर है उस पे स्टे रखिए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। तो तिस्ता सेटल वार्ड तुरंत उसी दिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच, जस्टिस मिश्रा और जस्टिस ओका, ये दो जजेस की बेंच ने सुनवाई की शाम को 6:30 बजे, और उनके ऑर्डर दोनों के बराबर थे। उन्होंने एक ने उनको बेल देने देने की बात कही, दूसरे ने बेल देने से इनकार करने की बात कही, तो दोनों का जो ऑर्डर था वो एक जैसा नहीं था, इसलिए इसको 3 जजेस की बेंच के पास भेजा गया, और 3 जजेस की बेंच जो जिसमें जस्टिस गवई, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता, इनकी बेंच ने उन्हें रात को 9:30 बजे उनको इंटरिम बेल दिया। तो उसके बाद
इंटरिम बेल देने के बाद वे रेगुलर बेल के लिए आई, और रेगुलर बेल आज आज हाई कोर्ट ने उनको रेगुलर बेल अलाउ कर दिया और कहा कि जो केस है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, अगर बेल देना होता है तो केस में या तो प्राइमा फेसी केस हो, बहुत सीरियस ऑफेंस हो और आरोपी जो है वो विटनेस से छेड़खानी करता हो और ऐसे सब मामले होंगे तो ही बेल नामंजूर किया जा सकता है। यहाँ पर तो 16 साल पुराना मामला है, फिर उसके बाद इंटरिम बेल दे दिया गया था, अब उनको बेल नकारना ये ठीक बात नहीं है। और जो स्टैंड हाई कोर्ट ने लिया था उनको बेल नकारने के लिए, वो स्टैंड बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी था। वो एक तरफ बोल रहे थे कि प्राइमा फेसी केस है या नहीं है, इसकी बात हम नहीं करेंगे, दूसरी तरफ वो अलग हाई कोर्ट स्टैंड ले रहा था, और हाई कोर्ट का स्टैंड जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, और इसलिए उनको बेल दे देना चाहिए। और दूसरा ये भी था, कोर्ट ने ये कहा कि उनका ये ऑर्डर उनके पिटीशन पर नहीं आया था, ये ऑर्डियर ऑर्डर जाकिया जाफरी के पिटीशन पे आया था जो खानविलकर ने दिया था, और उन्होंने उसमें कुछ स्ट्रिक्चर पास किए थे, क्योंकि जब तीस्ता सेटलवाड को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन कैसे ले सकता है। फिर कोर्ट ने वो जो भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था उस पर उन्होंने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया। अगर आरोप ये है कि उन्होंने जो सबूतों से छेड़खानी की है तो उसके बारे में प्राइमरी सबूत जमा किए जाते, ये भी काम किया नहीं गया, और इतना जल्दी किया था कि उनको तुरंत अरेस्ट करने की ज़रूरत है, और वो करीब 15 दिन वो कस्टडी में थे ही, उनका कस्टडी पुलिस ने लिया लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन उनके साथ नहीं किया, बाद में भी कोई इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन उनके साथ नहीं किया गया तिस्ता के साथ, फिर उसके बाद चार्जशीट भी फाइल हो गई है, तो अभी क्या चाहिए प्रोसिक्यूशन को या सरकार को कि उनको कस्टडी में रखने के लिए इतना वो ललायत क्यों है। तो इस तरह का पूरा मैटर हुआ है, और जो तिस्ता सेटलवर्ड जो 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात में, तो वो दंगों के पीड़ितों का केस, वो कई केस लड़ रही थी, कई केस में पीड़ितों को मदद कर रही थी, कई केस में पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने में मदद कर रही थी, कई केसेस में वो खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गई। तो ऐसा जो जो भी व्यक्ति है जो कि न्याय मिलने के लिए लोगों को मदद कर रहा हो, तो उसके खिलाफ इस तरह से स्ट्रिक्चर पास करना या उसके खिलाफ कार्रवाई करना, तो ये न्याय में किसी का विश्वास ही नहीं रहेगा और कोई न्यायालय जाएगा ही नहीं। सिर्फ न्यायालय क्यों गए थे, इसके लिए किसी को सजा देना ये कितना सही है। तो ये सारे सवाल हमारे सामने हैं, और चूंकि सरकार की जवाबदारी होती है कि वो पीड़ितों को न्याय दे, अगर लेकिन सरकार ही उसमें इन्वॉल्व रहे और सरकार पे ही आरोप लगे, तो फिर उसके लिए किसी को तो आगे आना चाहिए, और एक सामाजिक और कार्यकर्ता की तरह अगर कोई संगठन या कोई संस्था या कोई व्यक्ति अगर ऐसे आकर जो पीड़ितों को मदद करता हो, तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसको सरकार ने उन जैसे लोगों को आगे बढ़ावा देना चाहिए, और जुडिशरी के पास जो मुद्दा आया है जुडिशरी को उतने तक ही सीमित रखना चाहिए, और इस तरह से जिस जो स्ट्रिक्चर पास किए जस्टिस खानविलकर ने वो भी कितने सही हैं, ये सब भी चीज़ें देखनी चाहिए। तो अभी ये मैटर में उनको बेल मिल गया है, चार्जशीट फाइल हो गया है, जब ट्रायल चलेगा तो हम देखेंगे कि कैसे ट्रायल चलता है और क्या उसमें आगे होता है, लेकिन जो भी होता रहेगा हम समय समय पर आपको खबर देते रहेंगे। तो देखते रहिए जनता का आईना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जनता का आईना को आर्थिक मदद भी कीजिए। धन्यवाद, देखते रहिए जनता का आईना।